हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं आपका नए टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है आपका बॉडी फ्लूइड्स। एंड बॉडी फ्लूइड्स जो आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है हेल्थ के अंदर, और आपका इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। एंड नर्सिंग के अंदर जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आपका बॉडी फ्लूइड्स के बारे में आपके क्वेश्चन जो है वो काफी बार आपका पूछे जाते हैं आपका फ्रेंड्स। यदि आपका दूसरा जो बॉडी फ्लूइड्स जो है वो आपका विभिन्न प्रकार के आपके जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी के अंदर, उनके आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के बारे में भी समझने के लिए आपका जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग बॉडी फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको आप देखते रहें, वीडियोस सभी वीडियोस को आपका पूरी तरह से देखें, और साथ में जो चैनल है उसको आप जो है वो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारे जो चैनल है उसको देखने के लिए आपका रिकमेंड करें। ऐसे फ्रेंड्स जो हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके कोर्सेज बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिनके आपका जो फीस है आपका वो बहुत ही कम है, नॉमिनल आपका चार्जेस हम चार्ज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये केवल आपके लिए हैं, आप लोगों के आपका नर्सिंग के जो एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन के लिए, सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए आज ये जो आपका नया जो टॉपिक है बॉडी फ्लूइड्स, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अब बॉडी फ्लूइड्स होते क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका ये समझते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स आपका किसको कहते हैं आपका। तो बॉडी फ्लूइड्स का डेफिनेशन जो है परिभाषा वो इस प्रकार से, रेफर टू द वाटर एंड इट्स डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन द बॉडी, यानी कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर आपका जो वाटर है और वाटर के अंदर आपका जो डिजोल्ड सब्सटेंसेस है, डिजोल्ड का हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स आपका गुले हुए, सब्सटेंसेस का अर्थ हो गया पदार्थ। हमारे शरीर के अंदर जो आपका वाटर है उसके अंदर आपके जो अब गुले हुए जो आपका पदार्थ होते हैं और वाटर है, ये दोनों मिलकर के बॉडी आपका फ्लूइड्स का निर्माण करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, और आपका देखते हैं बॉडी फ्लूइड्स की क्या विशेषताएं होती है। वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स, यानी हमारे जो बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो फ्लूइड्स हैं, द्रव हैं, उनका जो मेन घटक होता है, कंपोनेंट का हिंदी अर्थ है फ्रेंड्स आपका घटक, उनका मेन घटक जो है वो आपका वाटर है आपका। इसका हुआ फ्रेंड्स कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उन फ्लूइड्स के अंदर एक जो पार्ट है वो आपका वाटर है फ्रेंड्स। यदि वाटर के बारे में हम बात करें फ्रेंड्स, तो वाटर इज द इम्पोर्टेंट टू लिविंग सेल्स, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो आपका लिविंग सेल्स हैं आपका जिंदा कोशिकाएं हैं उनके लिए वाटर बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वाटर का आपको देखिए तीन आपका इम्पोर्टेंट कार्य है। वाटर सोलवेंट का कार्य करता है, सोलवेंट का हिंदी अर्थ होता है विलायक, विलायक के रूप में आपका कार्य करता है, घुलने वाले के रूप में कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो आपका गैसेस हो, चाहे आपके अन्य आपके पदार्थ हो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो, प्रोटीन्स हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, ये एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आपका मूव करते हैं यानी कि आपका गमन करते हैं, तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर आपका वाटर का मुख्य आपका रोल है आपका, राइट। साथ में आपका फ्रेंड्स यदि आपका दूसरी विशेषता देखें, पार्टिसिपेंट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दोस्तों हमारी जो कोशिकाएं होती हैं शरीर की उनके अंदर लगातार जैव रासायनिक आपका क्रियाएं होती रहती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती है, और उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का भी एक आपका महत्वपूर्ण जो घटक है वो आपका वाटर है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कार्य है वाटर के, विलायक के रूप में कार्य करता है, आपका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को गैसेस का आपका ट्रांसपोर्ट के अंदर आपका वाटर मदद करता है, साथ में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर भी आपका वाटर का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए फ्रेंड्स, वाटर के बारे में आपका बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये आपका भी समझना बहुत जरूरी है कि सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हिंदी के अंदर यदि मैं आपको बात करूं तो सोल्यूट जो होते हैं वो आपका ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो घुलने वाले होते हैं, सोलवेंट आपका घुलने वाला, और जो सोल्यूशन होता है उसको आपका विलयन कहते हैं, यानी सोल्यूशन आपका विलयन हो गया, सोलवेंट आपका विलायक हो गया आपका। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं आपका, यानी कि सोल्यूट क्या होते हैं। यूजुअली ए पार्टिकल, सोल्यूट का अर्थ है कोई भी आपका एक कण, आपका यूजुअली साल्ट का अर्थ हो गया फ्रेंड्स आपका, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, आपका क्लोराइड आपके आयन हो गए, तो कोई भी ऐसे कण जो आपका किसी आपका विलियन में मौजूद होते हैं उन कणों को आपका सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के आपका बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड्स हैं आपका, जैसे कि ब्लड हो गया, वो एक सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन के अंदर फ्रेंड्स जो विभिन्न कण हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, हाइड्रोजन आयन्स है, बाइकार्बोनेट्स है आपका, ये देन प्रोटीन्स के आपके अणु है, ये सभी आपका सोल्यूट का कार्य करते हैं ब्लड के अंदर। यदि हम सोल्वेंट की बात करें तो सोल्वेंट का अर्थ होता है घोलने वाला, तो आपका जो ब्लड आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो आपका सोल्वेंट है वो वाटर होता है फ्रेंड्स, लिक्विड जो होते हैं द्रव होता है उसको आपका सोल्वेंट कहते हैं, जिसमें ये सोल्यूट आपका उपस्थित होते हैं। देन आफ्टर बात करते हैं फ्रेंड्स सोल्यूशन का, सोल्यूशन किसको कहते हैं, सोल्यूट एंड सोल्वेंट मिक्स टूगेदर, यानी कि जो आपका विलयन होता है उसके अंदर आपका सोल्यूट एंड जो आपका सोल्वेंट है ये दोनों आपका उपस्थित होते हैं, यानी मिक्सड होते हैं दोनों, तो आपका सोल्यूशन का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर का यदि सबसे बड़े सोल्यूशन की बात करें तो ब्लड हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा आपका सोल्यूशन है।
है। नेक्स्ट आपका बात करें कि जो आपका हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो हमेशा आपका सॉल्ट जो है उसको आपका फॉलो करता है। फ्रेंड्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर जहाँ पे सोडियम जाएगा वहाँ पे वाटर भी आपका जाएगा। सॉल्यूशंस वांट टू हैव द सेम रेशियो, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपका हमेशा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है उनका आपका समान रेशियो का आपका चाहते हैं। तो जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से बनना चाहते हैं कि उसके अंदर आपका जो सॉल्यूट एंड जो सॉल्वेंट है दोनों का आपका अनुपात है वो आपका एक समान हो। आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर, हमारे मानव शरीर के अंदर पानी जो है वो किस प्रकार से आपका वितरित है। डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ हो गया फ्रेंड्स आपका वितरित होना। तो आपका यदि हम बात करें कि एवरेज आपका एडल्ट मेल और फीमेल की, तो फ्रेंड्स एक आपका जो एडल्ट आपका मेल और फीमेल है उनकी बॉडी के अंदर जो पानी का वितरण है आपका फ्लूइड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका अलग अलग होता है। यदि फीमेल का बात करें तो फीमेल बॉडी के अंदर फ्रेंड्स आपका 55% जो है वो आपका बॉडी वेट का फ्लूइड्स है एंड 45% आपका सॉल्यूट्स है। यदि मेल की बात करें तो मेल का आपका जो टोटल बॉडी वेट है उसका 60% फ्रेंड्स आपका फ्लूइड्स होते हैं एंड 40% जो है वो आपका सॉल्यूट्स है। तो दोनों के अंदर मेल और फीमेल के अंदर जो फ्लूइड्स है बॉडी के अंदर उनका आपका जो वितरण है वो आपका अलग अलग होता है आपका, और इसके आपके अनेक आपके कारण होते हैं जिसकी वजह से ये जो आपका वितरण है वो आपका डिफरेंट होता है। क्योंकि आपका जो फीमेल है उनके अंदर एक आपका सीधा कारण की बात करें तो फीमेल्स के अंदर बॉडी में आपका फैट अधिक होता है, और शरीर के अंदर यदि फैटी ट्यूसेस की आपका अधिकता होगी तो जो आपका वाटर कंटेंट है या फ्लूइड है वो उनकी आपका कमी हो जाती है। तो ये एक आपका मुख्य कारण रहता है आपका। नेक्स्ट आपका बात करते हैं यदि परसेंटेज ऑफ बॉडी वाटर की बात करें हम फ्रेंड्स एज के अनुसार एंड जेंडर के अनुसार, क्योंकि जो एज एंड जेंडर है उसका भी आपका बॉडी वाटर के परसेंटेज के ऊपर आपका असर पड़ता है। तो ये चाइल्ड लें आपका बच्चे को लें तो बच्चे के अंदर जो 75% आपका बॉडी वेट है वो आपका उसके अंदर आपका वाटर आपका उपस्थित है, क्योंकि बच्चे की बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज की मात्रा आपका सबसे कम होती है। यदि एक मेल की बात करें वेस्ट के, तो उसके बॉडी का जो वेट है उसका 60% आपका जो फ्लूइड्स होते हैं वो आपका बनाते हैं। यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल बॉडी के अंदर आपका वेस्ट फीमेल के अंदर आपका बॉडी वेट का 55% जो है वो आपका फ्लूइड्स बनाते हैं। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि वृद्धावस्था के अंदर फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो आपका फ्लूइड कंपोनेंट है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपका वृद्धावस्था के अंदर बॉडी वेट का 45% जो है वो फ्लूइड्स होते हैं या बॉडी वाटर होता है। कि मेजर आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, हमारे शरीर के अंदर जो मुख्य जो फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं वो आपका क्या क्या है, तो ये यहाँ पे आपका फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं वो आपका दो कंपार्टमेंट्स हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो आपका दो आपका मुख्य आपका भागों के अंदर आपका उपस्थित होता है। तो आपका एक आपका जो भाग होता है वो ECF होता है, दूसरा आपका ICF होता है। ECF फ्रेंड्स आपका एक्स्ट्रा सेलुलर आपका फ्लूइड होते हैं, या फिर आपका जो आपका स्पेस जो आपका कोशिकाओं के बाहर है उस स्पेस को आपका बोलते हैं ECF। उस स्पेस के अंदर आपका जो फ्लूइड उपस्थित होता है उसको आपका ECF फ्लूइड बोलते हैं। कि आपका जो बॉडी वेट का आपका जो वाटर परसेंटेज है तो आपका 60% या फिर आपका जो 55% आपका बॉडी वेट का जो वाटर या फ्लूइड परसेंटेज लेंगे उसका आपका जो 15% आपका होता है या 20% जो होता है टोटल बॉडी वेट का वो आपका ECF के रूप में आपका फ्लूइड्स के रूप में आपका उपस्थित होता है, और ये आउटसाइड द सेल्स है आपका। तो यदि हम कैलकुलेशन करें आपका, यदि एक वयस्क व्यक्ति का आपका बॉडी वेट लें तो उसका जो 40 आपका जो केजी होगा वो आपका अप्रोक्सीमेटली किसका बना होगा आपका, यानी बॉडी फ्लूइड्स का। तो उसमें से आपका जो 15 लीटर है वो आपका ECF के अंदर होगा एंड जो आपका 25 लीटर है वो आपका ICF के अंदर होगा। ICF हो गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, यानी आपका कोशिकाओं के अंदर। तो टोटल बॉडी वेट का जो 40% आपका जो फ्लूइड्स है या फिर फ्लूइड्स है वो आपका ICF में होते हैं एंड 20% है वो आपका ECF में होते हैं। फ्रेंड्स यदि आगे देखें आपका, तो जो ECF कंपार्टमेंट है उसको फिर से दो भागों के अंदर बांटा गया, एक आपका IVF होता है और एक आपका ISF होता है। IVF होता है आपका इंट्राविनस फ्लूइड्स, यानी कि आपका फ्लूइड्स जो आपका किसके अंदर फ्लो करता है, आपका वेसल्स के अंदर आपका फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर आपका फ्लो करता है, वो फ्लूइड्स आपका इंट्राविनस फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। ISF आपका फ्लूइड्स आपका इंटरस्टीशियल फ्लूइड्स, यानी कि जो आपके कोष आपका टिश्यूज होते हैं उत्तक होते हैं उत्तकों का आपका निर्माण कोशिकाएं करती हैं। तो आपका उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं आपकी उपस्थित होते हैं उनके बीच में आपका जगह होती है, उस जगह को आपका इंटरस्टीशियल आपका स्पेस कहते हैं, और उस आपका जगह के अंदर इंटरस्टीशियल स्पेस में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को फ्रेंड्स आपका ISF कहते हैं। तो इस प्रकार से ECF का जो फ्लूइड है वो दो भागों के अंदर आपका विभक्त रहता है, एक IVF के अंदर एक ISF के अंदर। जो ISF होता है आपका इंटरस्टीशियल फ्लूइड, उनमें आपका ECF का 80% आपका फ्लूइड होता है, यानी लगभग आपका 15 लीटर में से 12 लीटर जो है वो आपका इंटरस्टीशियल फ्लूइड के अंदर बिटवीन द सेल्स, एंड जो 3 लीटर होता है यानी 20% ऑफ द ECF वो आपका इंट्राविनस आपका फ्लूइड होता है। इंट्राविनस फ्लूइड्स मींस आपका फ्लूइड जो आपका ब्लड वेसल्स में है प्लाज्मा के रूप में आपका फ्लो कर रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपका 3 लीटर होता है। तो आपका देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा यानी
ECF एंड ICF के अलावा आपका जो बॉडी फ्लूड्स है वो आपका इन फ्लूड्स होते हैं उनमें भी उपस्थित होता है, और ये आपका बेसिकली ECF के ही घटक होते हैं। जैसे कि जो आपका लिम्फ फ्लूड है उसके अंदर भी वाटर होता है, CSF है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड उसके अंदर भी आपका वाटर होता है, गैस्ट्रिक जूसेज में भी होता है, साइनोवियल आपका फ्लूड जो आपका साइनोवियल केविटी के अंदर उपस्थित होता है जॉइंट स्पेस के अंदर उसमें भी आपका वाटर कंपोनेंट होता है, एक्वस ह्यूमर हो गया आपका एंड विट्रस फ्लूड्स आपका, ये आपका आई बॉल होते हैं आईज है उनके अंदर आपका है एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस फ्लूड्स तो उसके अंदर भी वाटर कंपोनेंट है, एंडोलिम्फ हो गया पेरिलिम्फ हो गया तो ये आपका जो ईयर होते हैं उनके अंदर आपका एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ है तो उसके अंदर भी आपका फ्लूड में वाटर कंपोनेंट होता है, सीरस फ्लूड्स हो गए, ग्लोमेरुलर आपका फिल्ट्रेट्स हो गए यानी किडनी से जो आपका ग्लोमेरुलस है उससे जो फिल्ट्रेशन होता है तो उसके अंदर भी आपका जो वाटर कंपोनेंट उपस्थित होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड्स कि जो ECF है उसका जो आप कंपोनेंट है ECF उस ECF कंपोनेंट के अंदर जो फ्लूड्स है वो IVF के अंदर है, ISF के अंदर है एंड अदर आपका स्पीशीज में, और अदर स्पीशीज के अंदर लिम्फ CSF गैस्ट्रिक जूसेज इत्यादि आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये विभिन्न आपका मेजर फ्लूड आपका कंपार्टमेंट्स हैं बॉडी के अंदर जिनके अंदर आपका बॉडी फ्लूड्स उपस्थित होता है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं फ्रेंड्स कंपार्टमेंट्स हैं, तो यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर देखिए आपका दिखाया गया है फ्रेंड्स, यदि आपका ये वाला जो स्पेस है आपका ये आपका इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है यानी इनसाइड द सेल्स, तो यहाँ पे फ्लूड्स होता है उसको आपका कहेंगे आपका ICF, और ये फ्रेंड्स आपका जो कोशिका के बाहर है आपका जो स्पेस है ये वाला ISF स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस है तो इसको आपका इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट बोल देंगे, यहाँ पे भी आपका फ्लूड मौजूद होता है जो ECF का पार्ट है। साथ में ECF कंपार्टमेंट के अंदर जो आपका फ्लूड्स होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, तो ये एक ब्लड वेसल्स आपका दिखाई गई है फ्रेंड्स जिसके अंदर आपका प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर आपका बॉडी फ्लूड्स आपका उपस्थित होते हैं। ये तो देखिए आपका फ्लूड कंपार्टमेंट्स अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स 62% ऑफ द बॉडीज फ्लूड्स जो है वो आपका इंट्रासेलुलर होते हैं एंड आपका जो 30% है वो आपका इंटरस्टिशियल के अंदर है और 8% बॉडी फ्लूड्स है वो आपका प्लाज्मा के अंदर है। तो इस प्रकार से आपका यदि हम 100% आपका फ्लूड्स की बात करें आपका तो उसमें से 62% ICF के अंदर है एंड आपका लगभग आपका 38% जो है वो आपका ECF के अंदर है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसके अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सोर्सेज ऑफ वाटर गेन एंड वाटर लॉस, हमारे शरीर के अंदर वाटर जो है वो गेन कैसे होता है यानी कि आपका कैसे पहुंचता है और किस प्रकार से वाटर जो है हमारी बॉडी से आपका लॉस होता है। तो यदि फ्रेंड्स हम वाटर गेन की बात करें एक वयस्क व्यक्ति के लिए तो एक वयस्क व्यक्ति का जो शरीर है उसके अंदर आपका जो लगभग आपका 60% जो आपका वाटर होता है वो उसका मेन सोर्स है आपका इंजेस्टेड लिक्विड यानी कि जो हम पानी पीते हैं मिल्क लेते हैं जूसेस लेते हैं इनके द्वारा जो फ्लूड्स के रूप में हमारे GI ट्रैक्ट के अंदर आपका जा रहा है वो आपका फ्लूड्स होता है 60% का आपका यदि देखें तो आपका 1500 से लेके 1600 ml जो आपका वाटर है या फ्लूड्स है उनको हम आपका इस प्रकार से क्या करते हैं ड्रिंक करके हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका बात बता रहे हैं कि 30% जो फ्लूड्स है वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है आपका इंजेस्टेड फूड्स के द्वारा यानी कि जो खाना हम खाते हैं वो खाने का जो आपका लिक्विड आपका पार्ट होता है यानी कि जो गीला भाग होता है वो हमारी बॉडी के अंदर आपका फ्लूड्स पहुंचाता है। तो इस प्रकार से 700 से लेके 750 ml जो आपका फूड्स है उनके रूप में आपका क्या पहुंचता है वाटर हमारी बॉडी में पहुंचता है। और फ्रेंड्स जो 10% आपका जो वाटर आता है हमारी बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिज्म के द्वारा आता है। आपको पता ही होगा कि आपका जो विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक आपकी क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर और ये जब मेटाबॉलिक आपकी क्रियाएं होती हैं उनके दौरान आपका जो वाटर होता है वो आपका एक आपका अंत उत्पाद के रूप में आपका बनता है। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ऑक्सीकरण होगा तो आपका 6 अणु जो है वो आपका 1 अणु आपका ग्लूकोज के टूटने से 6 अणु आपका वाटर के बनते हैं। तो आपका ये जो प्रक्रिया है मेटाबॉलिज्म की वो लगातार आपके सभी कोशिकाओं के अंदर चलती रहती है। तो इसके दौरान भी जो ये वाटर के अणु बन रहे ये लगभग आपका 24 घंटे के अंदर 200 से 250 ml आपका जो वाटर है वो इस प्रकार से बन करके आपका साइटोप्लाज्म में आता रहता है। तो यदि हम बात करें आपका टोटल बॉडी आपका फ्लूड्स का तो आपका यदि 24 hours की यदि हम बात करें तो 24 hours के अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली आपका 2300 से 2400 ml जो वाटर है वो हमारी बॉडी आपका गेन करती है। यदि आपका वाटर लॉस की हम बात करें फ्रेंड्स तो आपका वाटर लॉस के अंदर आपका यदि देखें तो आपका जो मेन जो आपका वाटर लॉस होता है वो किडनी के द्वारा होता है यूरिन के रूप में और आपका 60% आपका वाटर इस प्रकार से आपका बॉडी से बाहर निकलता है यानी 1500 जो वाटर है वो यूरिन के रूप में आपका 24 hours के अंदर हम लोग आपका उत्सर्जन करते हैं। दूसरा वाटर लॉस किस प्रकार से होता है तो हमारे शरीर के अंदर फ्रेंड्स आपको पता होता है कि आपका इनसेंसिबल आपका लॉस है आपका वाय स्किन यानी कि जो स्किन होती है आपका त्वचा वो भी आपका वाटर को क्या करती है बाहर छोड़ती है। तो आपको पता ही होगा कि ब्लड आपका सर्कुलेट करता रहता है स्किन की लेयर्स के अंदर और आपका वाष्पीकरण होकर के वाटर जो है वो हमारी स्किन से आपका बाहर निकलता रहता है। तो इसके अंदर आपका जो वाटर
वाटर लॉस होता है वाष्पीकरण के द्वारा स्किन से वो आपका लगभग 400 ml होता है। एंड फ्रेंड्स जो हमारी श्वसन प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो लंग्स है यानी कि हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी सांस के साथ में लगभग 300 ml जो वाटर है वो आपका सांस के साथ में आपका वाष्पीकरण के रूप में आपका बाहर निकल जाता है। और ये जो आपका इनसेंसिबल लॉसेज है आपका यानी इनसेंसिबल का अर्थ होता है जिसका हमें पता नहीं होता है। तो स्किन और लंग्स दोनों के द्वारा आपका जो वाटर है वो आपका लॉस होता है आपका 24 आवर्स के अंदर लगभग 700 ml वाटर आपका बाहर निकाल दिया जाता है जो आपका लगभग आपका कितना होता है फ्रेंड्स 28%। एंड फ्रेंड्स आपका 200 ml जो है वो आपका स्किन से स्वेट के रूप में पसीने के रूप में आपका बाहर निकलता है। साथ में लगभग आपका 100 ml जो वाटर है वो आपका GI ट्रैक्ट से फीसिस के स्टूल जो है उस स्टूल के रूप में आपका बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो 2500 ml वाटर का हम 24 आवर्स के अंदर गेन करते हैं तो लगभग इतना ही वाटर हम लोग आपका उत्सर्जन कर देते हैं जिसकी वजह से वाटर गेन और वाटर लॉस दोनों का आपका बैलेंस बना रहता है और हमारी बॉडी के अंदर न तो अधिक मात्रा के अंदर वाटर होता है और न ही वाटर की आपका कमी होती है और ये प्रक्रिया अनवरत आपका चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 2500 ml वाटर हम 24 आवर्स के अंदर आपका क्या करते हैं गेन करते हैं और इतना ही लगभग वाटर आपका लॉस करते हैं और ये बैलेंस आपका बना के रखते हैं। ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब भी आपका जब इनटेक एंड आउटपुट चार्ट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए भी ये आपका इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे भी आपका पेशेंट ने कितना इनटेक किया है कितना आपका आउटपुट हुआ है और उसके बाद में उसका बैलेंस निकालते हैं कि बॉडी के अंदर फ्लूइड्स आपका रिटेन हो रहे हैं या एक्सेसिव उनका आपका लॉस हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आपका फ्लूइड्स के बारे में आपका नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स यानी कि हमारे जो शरीर है उसके अंदर जो आपका बॉडी फ्लूइड्स है आपका उनका आपका नियंत्रण कैसे होता है रेगुलेट आपका क्या कौन आपका करता है इनके नियंत्रण की आपका प्रक्रिया क्या है उसको समझते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार से आपका बैलेंस बना रहता है और न तो अधिकता होती है और न ही कमी होती है। तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के अंदर आपका ये इंपॉर्टेंट घटक है फ्रेंड्स कि आपका ये तरीकों से आपका बॉडी जो है वो फ्लूइड्स को आपका मेंटेन करने का कार्य करती है थ्रस्ट मैकेनिज्म किडनी एक्टिविटी हार्मोन्स एंड देन आफ्टर रेगुलेटर्स ऑफ द पीएच। तो फ्रेंड्स जो आपका बॉडी फ्लूइड्स है वो उनको आपका रेगुलेट करने की जो मेन मैकेनिज्म होती है वो आपका थ्रस्ट मैकेनिज्म होती है। जो आपका थ्रस्ट मैकेनिज्म है उसके द्वारा बॉडी फ्लूइड्स को आपका रेगुलेट किया जाता है। थ्रस्ट मैकेनिज्म के कारण आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो आपका बढ़ जाता है जब आपका वाटर की कमी होती है तो एंड उसके कारण आपका जो हाइपोथैलेमस है वो आपका फ्रेंड्स स्टिमुलेट होता है आपका एंड उसके बाद में जो यूरिन का जो आपका प्रोडक्शन है उसको कम किया जाता है एंड बॉडी वाटर का जो है वो उसको आपका सेव किया जाता है। तो मेनली ये जो मैकेनिज्म है थ्रस्ट मैकेनिज्म का इस मैकेनिज्म के द्वारा जो बॉडी फ्लूइड्स है उनको आपका नियंत्रित किया जाता है। किडनी एक्टिविटी तो फ्रेंड्स आपका जब भी किडनी को आपका कम ब्लड सप्लाई मिलती है यानी कि आपका जब हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होती है तो उस टाइम में किडनी जो होता है वो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स रेनिन जो होता है उसका आपका प्रोडक्शन शुरू कर देता है। रेनिन जो है उसके कारण आपका एल्डोस्टेरोन का आपका प्रोडक्शन होता है और जो रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है वो आपका एक्टिवेट होती है जिसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर आपका जो फ्लूइड्स है उनको आपका क्या किया जाता है कंट्रोल किया जाता है आपका वाटर को आपका सेव किया जाता है एंड ब्लड प्रेशर को आपका इंक्रीज किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका मैकेनिज्म होता है जो आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है हाइपोवोलेमिया के केस में या फिर आपका ब्लड प्रेशर आपका डाउन होता है तो उस केस के अंदर। साथ में आपका हार्मोन तो यहाँ पे हमने देखा था एल्डोस्टेरोन जो होता है आपका वो एंटी डायुरेटिक हार्मोन भी जिसको कहते हैं ये जो हार्मोन होता है वो आपका इंपॉर्टेंट घटक है आपका बॉडी फ्लूइड्स का आपका मेंटेन करने के लिए। रेगुलेटर्स ऑफ पीएच तो ब्लड का जो पीएच है आपका तो आपको वो ब्लड पीएच जो है वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट आपका घटक आपका कार्य करता है बॉडी फ्लूइड्स को आपका मेंटेन करने के लिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपका पीएच के कारण आपका स्टिमुलेट होते हैं और उसके बाद में आपका जो हाइपोथैलेमस के जो थ्रस्ट आपका सेंटर होता है वो आपका स्टिमुलेट होता है आपका बॉडी फ्लूइड्स को कंजर्व करने के लिए। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के जो आपके हैं मैकेनिज्म जिनके द्वारा बॉडी फ्लूइड्स को फ्रेंड्स आपका कंट्रोल किया जाता है। थ्रस्ट मैकेनिज्म आपका मेन मैकेनिज्म है किडनी एक्टिविटी जिसके अंदर RAAS होता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हार्मोन्स होते हैं एंड साथ में आपका रेगुलेटर्स ऑफ द पीएच होते हैं जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स को आपका रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं फ्रेंड्स बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है। बॉडी फ्लूइड्स ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ क्या है। हमारे शरीर के अंदर आपका जो फ्लूइड्स होता है वो स्थिर नहीं होता है फ्रेंड्स। आपका जो फ्लूइड्स है वो लगातार आपका मूव करता रहता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर। जो फ्लूइड्स है वो आपका विलायक का कार्य करते हैं। आपका जो है फ्लूइड्स आपका मूव करते रहते हैं एक कंपार्टमेंट से आपका दूसरे कंपार्टमेंट में। तो इनका जो मूवमेंट होती है वो किस प्रकार से होती है किस आपका विधियों से आपका तरीके से होती है वो आपका इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स आपका मेन जो आपका मैकेनिज्म है आपका वाटर का एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने का वो आपका डिफ्यूजन होता है। तो पहले समझिए कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया होती है जिसको आपका हिंदी में डिफ्यूजन
को आपका विषण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जो आपका लिक्विड्स होते हैं या फिर आपका जो जैसे आपका गैसेस हो गया आपका या और दूसरे जो अणु है वो हमेशा आपका उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ आपका फ्लो करते हैं, बहते हैं आपका। तो ये आपका मीनिंग होता है विषण का, डिफ्यूजन का। यानी डिफ्यूजन की प्रक्रिया के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन उच्च सांद्रता से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका अणुओं का मूवमेंट होता है तो उसको आपका डिफ्यूजन कहते हैं। तो आपका देखिए आपका परिभाषा क्या कह रहे हैं, सोल्यूट ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट्स इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जो ये सोल्यूट्स हैं आपका वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से आपका लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपका फ्लो करते हैं आपका, और ये जो प्रक्रिया होती है उसको आपका डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो वाटर होता है वो भी डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर आपका मूव करता है आपका, साथ में दूसरे अदर आपकी विधियां भी होती है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड मूविंग अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि आपका एक वह प्रक्रिया जिसमें सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उससे आपका जो लिक्विड्स हैं उनका जो मूव होता है आपका, यानी कि बाहर से अंदर अंदर से बाहर, उसको आपका ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का दोस्तों अर्थ होता है अर्धपारगम्य झिल्ले। तो आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन दैट अलाउज ए सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट बट नॉट ए सॉल्यूट। सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ले वो आपका जो सॉल्वेंट होता है यानी विलायक उसको तो आपका जाने देते हैं और जो सॉल्यूट्स होते हैं उनको आपका रोक लेते हैं आपका। तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कार्य करती है, इसलिए आपका जो कोशिका झिल्ली है उसके एक साइड से दूसरी साइड के अंदर आपका जो वाटर है विलायक वो तो आपका मूव कर सकता है, परंतु दूसरे जो आपके सॉल्यूट्स हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन्स वो आपका एक तरफ से दूसरी तरफ आपका नहीं जा सकते, और ये जो वाटर की मूवमेंट होती है वो ऑस्मोसिस के कारण होती है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स आपका टोनिसिटी, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस के बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसका जो मेजरमेंट है मापना है उसको आपका टोनिसिटी बोलते हैं फ्रेंड्स। यानी कि मान लीजिए कि हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, ब्लड एक सॉल्यूशन है और दूसरा एक बाहर से आपका फ्लूइड जो है उसको आपका लेते हैं जो आपका सॉल्यूशन का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल सेलाइन, तो नॉर्मल सेलाइन और जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक आपका प्रेशर जो है उसका आपका मेजर करेंगे आपका और देखेंगे कि आपका जो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है या अंतर है आपका, राइट। तो उसी को आपका क्या बोलेंगे, टोनिसिटी बोलेंगे आपका। द फोर्स ऑफ ऑस्मोसिस पुल्स वाटर इन ब्लड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस एंड इक्विलाइजेस इट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस पुलिंग फोर्स इज कॉल्ड ऑन्कोटिक प्रेशर। फ्रेंड्स जो आपका ऑस्मोसिस है उसकी वजह से आपका जो वाटर है वो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस से आपका वापस आपका ब्लड कैपिलरीज के अंदर आपका खींचा चला आता है। आपका वाटर की जो आपका सांद्रता होती है वो दोनों स्पेसिस के अंदर आपका बराबर हो जाती है। तो मेनली आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर आपकी प्रोटीन्स होती हैं और मुख्य जो प्रोटीन है वो एल्बुमिन होती है। ये एल्बुमिन प्रोटीन है वो ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट करती है जिसके कारण जो ब्लड है वो वापस इंटरस्टिशियल स्पेस से आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर आपका खींचा चला आता है और हमेशा जो ब्लड है वो आपका वेसल्स के अंदर आपका फ्लो करता रहता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए आपका ऑस्मोसिस को समझाने के लिए। ये एक आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आपके दो सॉल्यूशन ले रखे हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर आपके जो सॉल्यूट्स हैं ब्लू कलर के उनकी सांद्रता अधिक है एंड जो सॉल्वेंट है वाटर उसकी सांद्रता कम है। तो आपका हाई आपका सॉल्यूट्स का आपका ये सॉल्यूशन है, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आपका लो सॉल्यूट का है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की आपका सांद्रता अधिक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अधिक है परंतु सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल आपका क्या है कम है फ्रेंड्स। तो ये दोनों जो आपका सॉल्यूशन है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा आपका क्या है आपका विभाजित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया लगेगी जिसके कारण जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स का आपका एक दिशा से आपका दूसरी दिशा में जाने देगी परंतु सॉलिड्स के जो आपका मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपका गमन नहीं करने देगी। तो यहाँ पे जो वाटर है वो आपका सॉलिड्स की लो आपका कॉन्सेंट्रेशन से जो हाई आपका कॉन्सेंट्रेशन है सॉलिड्स की उसकी तरफ आपका मूव करेगा आपका, और ये जो मूवमेंट होती है वाटर की आपका इसी मूवमेंट को फ्रेंड्स आपका ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है उसको आपका समझाया गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स आपका देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो फिल्ट्रेशन के अंदर आपका जैसे ये एक आपका मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के इस साइड में ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपका प्रेशर के कारण आपका ये जो पोर्स हैं छिद्र उनको आपका क्रॉस करके दूसरी साइड के अंदर आपका आ जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को आपका फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो किडनी होते हैं उनके अंदर जो आपका नेफ्रॉन्स है, तो नेफ्रॉन्स के अंदर जो बोमन्स कैप्सूल होता है उस बोमन्स कैप्सूल की आपके जो आप भित्ति होती है उससे जो आपके डिफरेंट आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या सॉल्यूट्स हैं एंड जो वाटर है वो फिल्टर होकर के दूसरी तरफ आपका जो ट्यूब होती है आपका ये बोमन्स
कैप्सूल का उस ट्यूब के अंदर आपका प्रवेश करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन आपका लगता है फ्रेंड्स। तो उसके द्वारा जो सॉल्यूट्स एंड जो वाटर है उसका मूवमेंट होता है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड समझते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, तो प्रेशर आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक प्रेशर होता है जो फ्लूइड्स के द्वारा आपका जनरेट होता है। आपको पता है फ्रेंड कि जो आपका फ्लूइड जहाँ पे होते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आपका वो एक प्रेशर डालते हैं, उस प्रेशर के कारण हमेशा जो फ्लूइड्स है वो आपका बाहर की डायरेक्शन के अंदर आपका फ्लो करने आपका करते हैं। तो जैसे आपका यहाँ पे एक उदाहरण दें कि ये हमारे पास में एक ग्लास है जिसके अंदर एक आपका फ्लूइड भरा हुआ है, तो इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है फ्लूइड का वो आपका फ्लूइड के अणुओं को बाहर की तरफ में आपका क्या करता है, मूव करता है। ये बेसिकली फ्रेंड्स हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आपका ये प्रक्रिया लागू होती है। ब्लड जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड है वो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका जनरेट करता है एंड आपका जिसके कारण फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ आपका मूव करने की आपका कोशिश करता है, यानी आउटसाइड आपका लगता है ये प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसको इक्वलाइज इसको आपका संतुलित करता है ऑन्कोटिक प्रेशर फ्रेंड्स, जो आपका ब्लड वेसल्स के अंदर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से नेट प्रेशर के आपका जो है वो आपका अंदर की तरफ होने के कारण ब्लड हमेशा वेसल्स के अंदर आपका फ्लो करता रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर यह हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रेशर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ऑस्मोलैलिटी का। ऑस्मोलैलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका फ्लूइड से रिलेटेड। तो मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स्ड पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट का आपका पर वॉल्यूम है उसमें जो सॉल्यूट्स की मात्रा उपस्थित होती है उसी सॉल्यूट की मात्रा को आपका ऑस्मोलैलिटी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो ऑस्मोलैलिटी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली आपका जो सॉल्यूट की आपकी मात्रा होती है आपका सॉल्वेंट पर वॉल्यूम सॉल्वेंट के अंदर उससे आपका डायरेक्टली संबंधित होता है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी का आपका जो नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी है उसकी आपका वैल्यू होती है फ्रेंड्स 275 से 295 आपका एम मोल पर किलोग्राम, यानी एम ऑस्मोल आपका पर किलोग्राम आपका होता है ये ऑस्मोलैलिटी। देन आफ्टर आपका यदि बात करें यदि ऑस्मोलैलिटी आपका नॉर्मल से डिविएशन होता है, यानी कि ऑस्मोलैलिटी या तो लो होती है या हाई होती है, तो उसका बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो लोअर ऑस्मोलैलिटी इज लेस देन 275 एम मोल पर किलोग्राम एंड मींस ब्लड इज हाइपोटोनिक, यानी कि ऑस्मोलैलिटी आपका 275 एम मोल पर केजी से कम हो जाए तो ब्लड है वो आपका हाइपोटोनिक हो जाता है फ्रेंड्स, यानी कि जो टोनिसिटी होती है वो आपका कम हो जाती है सॉल्यूशन के। और यदि हायर ऑस्मोलैलिटी की बात करें, हायर ऑस्मोलैलिटी इज आपका ग्रेटर देन 295 एम मोल पर किलोग्राम एंड मींस ब्लड इज हाइपरटोनिक, यदि आपका हायर ऑस्मोलैलिटी है तो ब्लड जो है वो आपका हाइपरटोनिक हो जाता है, टोनिसिटी आपका बढ़ जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा कि ऑस्मोलैलिटी नॉर्मल आपका 275 से 295 एम मोल पर किलोग्राम होता है, यदि 275 से आपका लो होता है तो आपका लोअर ऑस्मोलैलिटी होता है, जिसकी वजह से ब्लड आपका एक सॉल्यूशन है जो हाइपोटोनिक हो जाता है, एंड हायर ऑस्मोलैलिटी आपका ग्रेटर देन 295 जिसकी वजह से ब्लड आपका हाइपरटोनिक हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया है आपका यहां पे पिक्चर के अंदर ऑस्मोलैलिटी को आपका कैसे चेक करें। तो आपका जो यूरिनरी सिस्टम फीमेल का और मेल का उसमें से क्लीन कैच यूरिन का सैंपल आपका कलेक्ट करते हैं एंड ऑस्मोलैलिटी को आपका मेजर करते हैं। तो ऑस्मोलैलिटी इज मेजर्ड टू डिटरमाइन एनी एबनॉर्मलिटी, यानी कि जो फ्लूइड है उसके अंदर वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है, वो आपका मेजर करने के लिए आपका जो ये यूरिन का सैंपल है इसका आपका एनालिसिस करते हैं। साथ में इसमें देखते हैं कि आपका जो फ्लूइड है यूरिन उसके अंदर फ्रेंड्स जो सॉल्यूट्स हैं उनकी मात्रा कितनी है। यदि मान लीजिए कि आपका इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोटीन्स वगैरह की मात्रा अधिक है तो हम ये कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो आपका हाइपरटोनिक है, और यदि उनकी मात्रा कम है और आपकी सॉल्वेंट की मात्रा अधिक है तो आपका कहेंगे कि जो यूरिन है वो आपका हाइपोटोनिक है। तो ये आपका ऑस्मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट आपका बात करते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो किस प्रकार से मूव करते हैं। तो मूवमेंट को देखें तो आप फ्रेंड्स चलिए आपका सॉल्यूशन एज पर टोनिसिटी के बारे में बात करते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स हम टोनिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, टोनिसिटी क्या होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन टू सॉल्यूशंस, दो जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में उनके बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेजर करते हैं, फिर उसका आपका डिफरेंस निकालते हैं, और वो जो आपका अंतर है डिफरेंस है उसी को आपका टोनिसिटी कहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जो आपका विभिन्न प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं उनको आपका टोनिसिटी के आधार के ऊपर आपका विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक, तो परिभाषा के अनुसार हाइपो का अर्थ होता है लो, आइसो का अर्थ होता है आपका सेम एंड हाइपर का अर्थ होता है अधिक। तो आपका हाइपोटोनिक कौन से होंगे जिनकी टोनिसिटी आपका कम होती है, तो आपका हाइपो का अर्थ हो गया लो, तो सोल्यूट जो होते हैं उनकी सांद्रता कम होती है एंड जो सॉल्वेंट है उसकी सांद्रता आपका अधिक होती है हाइपोटोनिक के अंदर। आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का जो आपका रेशियो है यानी कि दोनों का जो अनुपात है वो आपका बराबर होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इसी सॉल्यूशन के अंदर आपका जनरेट नहीं होता है। देन आफ्टर हाइपरटोनिक
टॉनिक आपका सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर सोल्यूट की सांद्रता अधिक होती है एंड सॉल्वेंट का आपका सांद्रता आपका लो होती है तो उसको आपका हाइपरटॉनिक आपका सॉल्यूशंस कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो आपका तीन प्रकार के सॉल्यूशंस है हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपरटॉनिक इन सॉल्यूशंस के अनुसार हम जो ब्लड है उसके भी टोनिसिटी को आपका समझ सकते हैं या फिर दूसरे अर्थ में कहें तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी एक सॉल्यूशन है और आपको पता है कि जो ब्लड के अंदर जो भी आपके सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है यानी कि वाटर है इनका जो सांद्रता है वो लगातार बदलती रहती है आपका इसलिए जो ब्लड है वो भी आपका क्या होता रहता है उसकी टोनिसिटी भी चेंज होती रहती है। ब्लड आपका हाइपोटोनिक हो सकता है आइसोटोनिक हो सकता है या फिर आपका हाइपरटोनिक हो सकता है और बाहर से जो आपका सॉल्यूशन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं जब कभी रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी जो टोनिसिटी होती है वो भी आपका अलग अलग होती है। कई बार आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपके पेशेंट को एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं कई बार आइसोटोनिक करते हैं कई बार हाइपरटोनिक ये डिपेंड करता है पेशेंट की आपके कंडीशन के ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर। नेक्स्ट आपका सिनेरियो देखते हैं फ्रेंड्स आपका टोनिसिटी का समझते हैं आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको आपका ध्यान में रख करके जैसे कि आपको उदाहरण लें कि सोडियम का तो सोडियम जो है उसका आपको 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपका नॉर्मल आपका रेंज होती है ब्लड के अंदर और तो आपका यदि सोडियम को आपका ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझे तो आपका हाइपोनेट्रीमिया इज लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है यानी हाइपोनेट्रीमिया के केस के अंदर यानी सोडियम का लेवल आपका लो होता है आपका 135 से तो कंडीशन आपका हाइपोनेट्रीमिया होती है और यदि ये कंडीशन अराइज होती है तो फ्रेंड्स जो आपका ब्लड है उसके अंदर आपका हाइपोवोलेमिया विद हाइपोनेट्रीमिया लीव्स द ब्लड इन ए मोस्टली आइसोटोनिक स्टेट यानी कि हमारे आपका ब्लड के अंदर जो आपका हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन है और साथ में जो वाटर है उसका कंटेंट भी आपका लो है तो आपका सॉल्वेंट है वो भी आपका लो है एंड जो आपका सोल्यूट है वो भी आपका सांद्रता लो है तो लगभग आपका ब्लड को कौन सी स्टेट के अंदर आपका छोड़ते हैं आइसोटोनिक स्टेट के अंदर। परंतु आपका नेक्स्ट कंडीशन में देखिए फ्रेंड्स यदि आपका सॉल्वेंट जो है वाटर कंटेंट आपका अधिक हो जाए तो उसको हाइपरवोलेमिया कहेंगे आप विद हाइपोनेट्रीमिया यानी कि जो सोल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका लो है आपका तो उस केस के अंदर जो ब्लड है उसका स्टेट आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा और यदि हम हाइपरनेट्रीमिया की बात करें तो हाइपरनेट्रीमिया इज मोर देन आपका 145 मिली इक्विवेलेंट हो गया और हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है और उसके अंदर ये यानी कि जो सोडियम है वो सोल्यूट है एंड जो वाटर है वो आपका सोलवेंट है तो सोलवेंट आपका लो है तो हाइपोवोलेमिया एंड आपका ऑलरेडी सोल्यूट आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन में है आपका हाइपरनेट्रीमिया तो आपका ब्लड जो है वो किस प्रकार का हो जाएगा हाइपरटोनिक स्टेट के अंदर हो जाएगा और यदि आप जो सॉल्वेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी अधिक है तो हाइपरवोलीमिया एंड आपका दूसरा जो सॉल्यूट है उसकी भी सांद्रता अधिक है हाइपरनेट्रीमिया तो ब्लड का स्टेट आपका रहेगा आइसोटोनिक आपका तो ये आपका आपका समझ सकते हैं कि जो सोडियम है वो आपका सॉल्यूट है वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है उनके द्वारा सॉल्यूट और आपका सॉल्वेंट है ये दोनों जो आपका ब्लड एक सॉल्यूशन उसकी स्टेट को लगातार क्या करते रहते हैं आपका बदलते रहते हैं आपका तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका समझते हैं आपका यानी कि एक आप यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो दिखाई गई हैं कि जो आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका उस जो भी सॉल्यूशन के अंदर उसको हम प्लेस करते हैं तो उस सॉल्यूशन का क्या आपका असर पड़ता है तो आपका देखिए कि जो आपका कोशिका है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो भी एक सॉल्यूशन का कार्य करता है और आपका जो बाहर है तो आपका कोई फ्लूइड जिसमें कोशिका को रख रहे हैं वो दूसरा सॉल्यूशन का कार्य करता है और दोनों सॉल्यूशंस के अंदर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में अंतर होगा आपका और उस अंतर के कारण वाटर का आपका मूवमेंट होगा। तो देखिए आपका यदि एक आपका जंतु कोशिका को यदि आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम लोग रखते हैं तो आपका जो वाटर है वो आपका बाहर का जो सॉल्यूशन है उसे आपका मूव होकर के साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा जिसकी वजह से आपका जो कोशिका वो आपका फूलती जाएगी और एक स्टेट आएगी जहां पे कोशिका की झिल्ली आपका फट जाएगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखने पे और यदि आपका उसी कोशिका को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं आप यानी कि आपका बाहर जो आपका सॉल्यूशन है उसके उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर और कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपका दोनों बराबर है तो जो वाटर है उसका नेट मूवमेंट अंदर बाहर आपका बराबर रहता है जिसकी वजह से कोशिका जो है उसके ऊपर आपका कोई असर नहीं पड़ता है और आपका नॉर्मल स्टेट के अंदर रहती है। और यदि आपका कोशिका को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका कौन सा होता है आपका यानी कि जो आपका कोशिका जो होती है उस कोशिका के अंदर आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपका जो ऑस्मोटिक आपका जो सॉल्यूट्स हैं उनकी आपका सांद्रता कम है और जो बाहर का सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता आपका अधिक है तो जो वाटर है वो आपका लो सॉल्यूट की आपका जो है स्थिति उससे आपका बाहर की साइड में हाई सॉल्यूट की तरफ आपका मूव करेगा जिसकी वजह से जो कोशिका है वो आपका रिवील्ड यानी श्रिंक हो जाएगी यानी कि आपका सिकुड़ जाएगी आपका तो आपका यही आपका असर पादप कोशिका के ऊपर पड़ेगा। यदि आपका पादप कोशिका को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर अंदर आपका जाएगा आप क्योंकि
पादप कोशिका के चारों भित्त और आपका कोशिका भित्ति होती है, तो जिसके कारण आपका जो कोशिका आपका फटती नहीं है, परंतु आपका जो स्टेट होती है कोशिका की वो आपका टारगेट स्टेट हो जाती है, थोड़ा फूल जाती है आपका। और यदि उसका आपका नॉर्मल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पादप कोशिका को रखते हैं तो आपका जो वाटर है उसका नेट मूवमेंट आपका साइटोप्लाज्म और बाहर के सॉल्यूशन में बराबर होती रहती है, वाटर इसलिए फ्लैसिड स्टेट के अंदर रहती है, नहीं तो वो पिचकती है और नहीं वो आपका ज्यादा फूलती है आपका। और यदि पादप कोशिका को फ्रेंड्स आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका रखा जाए तो साइटोप्लाज्म है उससे वाटर मूव करके बाहर के सॉल्यूशन में आएगा, जिसकी वजह से जो कोशिका वो आपका पिचक जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और कोशिका जो है वो आपका काम करना बंद कर देगी। तो ये विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस के अंदर यदि हम कोशिका को रखते हैं तो उनका आपका नेट जो असर होता है कोशिका के साइटोप्लाज्म पे या सेल के ऊपर क्या पड़ता है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका कोशिका जो पादप कोशिका या जंतु कोशिका की हम बात कर रहे हैं, यही फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं ब्लड का। तो जो ब्लड आपका वेसल्स होती है एंड बाहर जो सॉल्यूशन हम लोग एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनके बीच में, या ब्लड और दूसरी जो कोशिकाएं हैं शरीर की उनके बीच में जो सॉल्यूशंस होता है कोशिका का साइटोप्लाज्म और ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड है वो आपका एक सॉल्यूशन है। तो ये दो सॉल्यूशंस के बीच में आपका जो वाटर है उसकी मूवमेंट को हम लोग समझ सकते हैं कि हाइपोटोनिक स्टेट होता है तो क्या कंडीशन रहेगा आपका, आइसोटोनिक आपका स्टेट होता है ब्लड का तो क्या कंडीशन होगी, और यदि हाइपरटोनिक आपका स्टेट होता है ब्लड का तो किस प्रकार की कंडीशन अराइज होगी। नेक्स्ट आपका डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आपका टोनिसिटी ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स, यानी कि जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं उनकी आपका टोनिसिटी क्या होती है। तो आइसोटोनिक जो फ्लूइड्स होते हैं उनके ये एग्जांपल होते हैं, यानी कि आपका 0.9% सेलाइन, साथ में आपका 5% डेक्सट्रोजन वाटर यानी 5% DW आपका होता है, एंड 5% आपका 5% इन 0.225% आपका सेलाइन यानी 5% D1 आपका 4NS के अंदर यदि आप हम लोग क्या करें आपका सॉल्यूशन तैयार करें। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशंस है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर वेंस के अंदर जो फ्लूइड है वो आपका लगभग सिमिलर होता है, बराबर होता है। तो जो नेट वाटर जो है वो आपका मूव नहीं होता है, आपका जो वॉल्यूम है वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसके अंदर आपका वेसल्स के अंदर। तो आपका फ्लूइड वॉल्यूम आपका बढ़ाने के लिए आपका आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होता है वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका कई बार एडमिनिस्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का आपका नाम याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का एग्जांपल पूछ सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक का कार्य करता है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक का भी काम करता है तो दूसरी जगह पे जाकर के आपका दूसरे प्रकार का सॉल्यूशन की तरह भी आपका कार्य करेगा, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका है आपका लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन है, वो भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, 5% डेक्सट्रोज लैक्टेटेड रिंगर्स यानी आपका जो लैक्टेट रिंगर होता है उसके अंदर 5% डेक्सट्रोज आपका मिला दिया जाए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का निर्माण होता है आपका। दूसरा 5% डेक्सट्रोज इन आपका 0.45% सेलाइन, यानी कि जो नॉर्मल सेलाइन है उसका हाफ स्ट्रेंथ के अंदर 5% डेक्सट्रोज आपका क्या करें मिलाएं तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो हाइपरटोनिक होगा, या फिर दो आपके NS ले आपका 500 ml के और उनके अंदर आपका 5% D1 आपका मिला दिया जाए तो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। नेक्स्ट फ्रेंड 5% डेक्सट्रोज 0.9% सेलाइन जो है वो भी आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कार्य करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने देखा था कि जो सेलाइन होता है वो आइसोटोनिक है, उसमें एक्स्ट्रा हम सॉल्यूट मिला रहे हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्यूट का कार्य कौन करेगा, शुगर करेगा, डेक्सट्रोज करेगा। तो सॉल्यूट आपका ऐड हो रहा है आपका, तो सॉल्यूट ऐड हो रहा है तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपका टोनिसिटी भी बढ़ जाएगी और हाइपरटोनिक आपका स्टेट बन जाएगी। नेक्स्ट आपका 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, यानी कि जो आपका प्लेन वाटर के अंदर 10% डेक्सट्रोज का जो सॉल्यूशन है वो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल है फ्रेंड। नेक्स्ट आपका तो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को आपको कई बार पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद में आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के एग्जांपल है 0.5% सेलाइन यानी कि हाफ स्ट्रेंथ जो NS है वो हाइपोटोनिक आपका सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसके बाद में D5 आपका जो है W इन द बॉडी, यानी कि डेक्सट्रोज आपका जो 5 होता है वो आपका बॉडी में जाकर के हाइपोटोनिक का कार्य करता है आपका, क्योंकि जो आपका शुगर होता है वो आपका अब्सॉर्ब हो जाता है और आपका फ्लूइड रह जाता है, वाटर का कंटेंट यानी सॉल्वेंट की मात्रा आपका अधिक हो जाती है, इसलिए वो हाइपोटोनिक का कार्य करता है बॉडी में जाकर के। 0.25% NaCl का सॉल्यूशन है वो भी हाइपोटोनिक है, 0.45% आपका NaCl है यानी हाफ स्ट्रेंथ आपका नॉर्मल सेल है हाइपोटोनिक, एंड 2.5% डेक्सट्रोज है वो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ये फ्रेंड्स आपका सोर्सेज ऑफ वाटर गेन एंड वाटर लॉस, हमारी बॉडी के अंदर वाटर गेन किससे होता है, वाटर लॉस किससे होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंजेस्टेड फूड आइटम्स है उनसे 750 ml वाटर हम गेन करते हैं, इंजेस्टेड लिक्विड्स है वो 1500 ml हम लोग गेन करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म से
250 ml टोटल आपका 2500 ml हम लोग गेन करते हैं। और आपका जो लॉस होता है वो आपका GIT के अंदर फिशेस के द्वारा 100 ml आपका हम लोग आउटपुट में छोड़ते हैं, स्किन के द्वारा लगभग 600-700 ml आपका बाहर छोड़ते हैं, लंग्स के द्वारा 300 ml होता है एंड किडनी आपका 1500। तो नेट जो आपका बैलेंस जो है यानी कि जितना इनटेक होता है उतना ही आपका आउटपुट होता है, तो वो आपका जो फ्लूइड्स है उनका आपका जो बैलेंस है वो आपका बॉडी के अंदर बना रहता है। फ्रेंड्स दीज आर द पेशेंट सिनेरियोस, ये आपका पेशेंट के सिनेरियो है जिनको आपका डिस्कस करते हैं क्या क्या पेशेंट सिनेरियो है। तो फर्स्ट केस के अंदर ये पेशेंट हैज हैड नोजिया, यानी पेशेंट को नोजिया है आपका, साथ में वोमिटिंग है आपका, डायरिया है 4 दिन से। द ब्लड वर्क शोस दैट दिस पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड बट देयर इलेक्ट्रोलाइट्स हैव मैनेज्ड टू स्टे विद इन नॉर्मल लिमिट। ब्लड का आपका सैंपल भेजा तो उससे पता चला कि जो पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड है, परंतु उसके आपका बॉडी के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आपका नॉर्मल रेंज के अंदर, यानी सॉल्यूट्स के आपका सांद्रता में बदलाव नहीं हुआ है परंतु जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका कम हो गया है। तो इस केस के अंदर क्या करेंगे, ये आपके क्वेश्चन है। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस पेशेंट ब्लड, यानी कि जो ब्लड है वो आपका सॉल्यूशन है तो वो किस प्रकार का है। तो ये हाइपरटोनिक हो गया क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है उसकी सांद्रता कम हो गई है एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपका नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो आपका ये हाइपरटोनिक आपका जो स्टेट का आपका एक एग्जांपल है। क्या इसका ट्रीटमेंट होगा आपका, तो पहले पेशेंट को आइसोटोनिक आपका सॉल्यूशन देंगे 0.9% आपका NaCl, ताकि फ्लूइड का जो वॉल्यूम है यानी कि जो ब्लड का उसको आपका बढ़ाया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके एंड उसके बाद में आपका उसको क्या करेंगे आपका मूव करेंगे आपका किसके अंदर, सेल्स के अंदर। तो पहले आइसोटोनिक से आपका ट्रीट करेंगे, उसके बाद में हाइपोटोनिक आपका सेकंड आपका जो आपका लाइन के अंदर आपका एडमिनिस्टर करेंगे। तो यूजुअली 0.5% आपका NaCl जो फ्लूइड को आपका शिफ्ट कर देगा ब्लड वेसल से इसके अंदर आपका सेल्स के अंदर। नेक्स्ट आपका सिनेरियो फ्रेंड, ये पेशेंट कम्स इन विद बाइलेटरल आपका 2 ग्रेड पिटिंग एडिमा, यानी कि पिटिंग एडिमा का जो ग्रेड है वो आपका 2 प्लस है आपका द लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर। द ब्लड वर्क कंफर्म्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पेशेंट को आपका जो डायग्नोसिस हुआ वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का है। तो पिटिंग एडिमा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस के अंदर फ्रेंड जो फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर आपका एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आपका रिटेन हो जाता है, ये ध्यान रखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस पेशेंट ब्लड, तो ब्लड है वो हाइपोटोनिक आपका हो गया क्योंकि फ्लूइड का रिटेंशन होगा। व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड वुड यू गिव दिस पेशेंट, तो हाइपोटोनिक के केस के अंदर हाइपरटोनिक जो फ्लूइड्स है वो एडमिनिस्टर करेंगे, तो सिर्फ फ्लूइड आउट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड इनटू द वेन टू बी फिल्टर्ड आउट इन द किडनीज, और जो आपका किडनी के अंदर आपका फिल्टर होने के लिए आपका चला जाएगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देने की रिक्वायरमेंट होगी। देन आफ्टर थर्ड केस, ए पेशेंट इज हाइपोटेंसिव, यानी कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो कम है, डीजी है, चक्कर आ रहे हैं, वीक है, कमजोर है एंड रिपोर्ट्स एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन है। द ब्लड वर्क कंफर्म्स एड्रिनल इनसफिशिएंसी, एड्रिनल इनसफिशिएंसी का केस है आपका डायग्नोसिस के अंदर, यानी एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके जो हार्मोन्स है वो एडिक्वेट अमाउंट के अंदर आपका स्रावित नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो कॉर्टिसोल कॉर्टिकॉइड उनका प्रोडक्शन लो हो गया, तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी है। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस पेशेंट ब्लड, तो एड्रिनल सफिशिएंसी केस के अंदर आपका आइसोटोनिक ब्लड होता है, तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी लीड्स टू लॉस ऑफ वॉल्यूम एंड लॉस ऑफ सोडियम लीविंग द पेशेंट हाइपोवोलेमिक एंड हाइपोनेट्रेमिक, और हाइपोवोलेमिक एंड हाइपोनेट्रेमिक जो स्टेट होती है वो ब्लड को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना देती है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्लूइड वुड यू गिव दिस पेशेंट, तो दिस पेशेंट विल बी ट्रीटेड विद आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक टू हेल्प ट्रीट द हाइपोटेंशन बाय एक्सपेंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इन द वेन्स, वेन्स के अंदर आपका फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो